कन्नौज के जिला अस्पताल के पास बने ट्रामा सेंटर में लाखों रुपए की दवाएं और मेडिकल उपकरण कूड़े की तरह फेंक दिए गए हैं। कूड़े की तरह पड़ी दर्द की हजारों टैबलेट की डेट एक्सपायर हो चुकी है। दवाओं के फेंके जाने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने पूरे मामले को की नोडल अफसर से जांच कराकर कार्यवाही की बात कह रहे हैं। ये देखना है कि ट्रॉमा सेंटर में ये दवाई आई कहाँ से, क्या वो एक्सपायरी थी या किस टाइप की दवाई थी, किस मर्ज में काम आती हैं, ये सब जांच का विषय मैंने डॉक्टर आला जी को बता दिया है। सर अगर एक्सपायरी दवा होती है तो उसके भी कोई ना कोई आसन होते हैं या वापसी कराने होते हैं? नहीं नहीं, अब ये देखना है कि वो जिला अस्पताल की दवाइयाँ हैं या CSC PSC दवाइयाँ जो ट्रॉमा सेंटर में कैसे पहुँची, ये तो जाँच का विषय है ना। ट्रॉमा सेंटर पर दवाई होती नहीं है, जो वहाँ पर जो एम्बुलेंस वाले रहते हैं वहाँ पर दवाई का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो गत्ते वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचे कैसे, ये जांच का विषय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुँचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNews.